ओ जी आप लोग हैं तो मेरी तो हर दिन दिवाली हर दिन होली होती है जी। यहाँ है रंगीला मौसम टर्बन तड़का में और मैं हूँ आपका रंगीला शेफ हरपाल सिंह सोखी, लेके आया हूँ होली स्पेशल रेसिपी। होली स्पेशल नहीं समझ यार, होली स्पेशल है, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। ठीक है जी, बना रहा हूँ गुजिया और वो भी चॉकलेट और मावा की से। सबसे पहले ये गुजिये के कई सारे मोल्ड मेरे पास पड़े हुए हैं, फिलिंग। अच्छा, फिलिंग बनाने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे एक दो ऑलरेडी तैयार कर रखा है। दो तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, मैदा लेना है 500 ग्राम, ठीक है जी। उसमें डालना है घी, 6 बड़े चम्मच घी डालें, मसल के बढ़िया सा डो बना लें, खस्ता टाइप, ठीक है। ये देखिए हार्ड सा डो है ये। अब फिलिंग बनाने के लिए, क्योंकि मावा यानी कि खोया जिसे हमने यहां पाया है, ये 1 कप ग्रेटेड खोया, चॉकलेट, आहा क्या बात है, कोई भी चॉकलेट लें, ये 2 बड़े चम्मच चॉकलेट डाल दी, डेसिकेटेड कोकोनट, आहा 1/2 कप ये ले लिया, ये डाल लिया, थोड़े से किशमिश ले लें, ये 1 बड़ा चम्मच, जो भी आपके घर में नट्स हो, ये कैशू नट ये डाल लेते हैं, चॉप कैशू नट, चॉप आमंड्स, ठीक है जी, 1 बड़ा चम्मच ये डाल लिया, थोड़ी सी इलायची पाउडर चुटकी भर ये डाल ली, आहा क्या बात है, और जायफल का पाउडर, ठीक है जी, 1 जायफल लें, चुटकी भर जायफल का पाउडर ये, आहा। अब ये सारी चीजें मिक्स कर लें बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, वो मैं सोच रहा हूं या तो आप अपने लिए ऑप्शनल रखें या आप डाल लें, वो है शुगर, ये पाउडर शुगर। मैं 1 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर डाल लेता हूं, आप ऑप्शनल रखिए। अगर आप मीठा खाते हैं बढ़िया तरीके से तो 1.5 से 2 चम्मच डाल लें। अब बनाएंगे गुजिया। अब सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए फिलिंग तो हमने बना ली है, लेकिन ये जो डो बनाई है इसे रोल कर लें, ये रोल कर ली डो इस तरह से। अब इतने बड़े बड़े ये पेड़े काट लिए, क्या बात है, अब क्या करें, ये लीजिए थोड़ा सा घी, ये सभी पे लगा लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। ओहो, अब फटाफट क्या करना है, ये लीजिए घी लगा दिया, ये गुजिया की कवरिंग, ठीक है जी, ये देखिए कवरिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो मैदा ज्यादा खिलाना है या फिलिंग ज्यादा खिलानी है ये आपके ऊपर है। अब तो यार शेप जो है ना मजेदार हो तो मजा आ जाता है, ये खींच के डाल दिया। अब इसको दबा लेते हैं थोड़ा सा और फिलिंग, ये फिलिंग कर लें, दोनों तरफ भर लेता हूं और थोड़ा सा पानी ये एजेस पे लगा लूं। अब इसे फोल्ड करना है और ये लीजिए भाई साहब, जिनकी जिनकी जरूरत नहीं है इसमें वो निकल जाए, ये लीजिए, ये जिस जिस की जरूरत नहीं है वो बिल्कुल यहां से निकल जाए, और आप भाई साहब, ओहो हा 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 क्या बात है, ये देखिए वो मजा आ गया, वो यार बढ़िया शेप हो तो मजा अलग। यहाँ पे घी मैंने गरम कर रखा है, अब ये जो गुजिया बनाई है आहा, इनको मैं ये घी में छोड़ देता हूँ, ये लीजिए क्या बात है, घी जो है ना बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मतलब कि इतना गर्म हो गुजिया जो है फ्राई होने लगे लेकिन काला ना, मतलब ब्राउन होने ना लगे, ठीक है जी। मैंने घी को पहले थोड़ा सा गर्म किया था, अब फिर बंद कर दिया ताकि ये बढ़िया फ्राई हो जाए, आ ये क्या बात, क्या बात,
अब जैसे ये भुजिया जो है, ये देखिए, हाँ हाँ ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो जाए फ्राई, इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लें। हाँ हाँ फ्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट, और कैसे फ्राई करना वो बहुत जरूरी, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चीज दो में कितना घी जाना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट। ओ परोसने के लिए ये क्या बात, अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा कि मैं इसे सजाऊं या इंतजार करूं या खा लूं। आप एक काम करो, इंग्रेडिएंट्स नोट करो, रिकैप देखो, गुजिया बनाओ, रंगों से खेलो और होली का मजा लो। आप कहाँ जा रहे हैं? और जी पहले गुजिया बनाएंगे ना, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ध्यान से नोट करें, रिकैप बिल्कुल ध्यान से देखें, तभी बनाएंगे ना, और फिर होली वाले दिन मजे लें रंगारंग। मावा गुजिया, सामग्री 500 ग्राम मैदा, 1 कप मावा कसा हुआ, 2 बड़े चम्मच चॉकलेट कसा हुआ, 1/2 कप सूखा नारियल कसा हुआ, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, 1 बड़ा चम्मच काजू कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच बादाम कटे हुए, चुटकी भर हरी इलायची पाउडर, चुटकी भर जायफल पाउडर, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर, 6 बड़े चम्मच घी, तलने के लिए घी, अधिक ग्रीस करने के लिए घी। इसे बनाने के लिए 1 बाउल में मावा, चॉकलेट, सूखा नारियल, किशमिश, बादाम, काजू, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर और पीसी हुई शक्कर डालकर मिला लीजिए। गूंधे हुए आटे के समान पेड़े बना लीजिए और थोड़ा घी लगाकर रख दीजिए। पेड़े की छोटी पूरी बेल लीजिए। गुजिया मोल को थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसमें पूरी रखकर तैयार किया हुआ मिश्रण उसमें भर दीजिए। अब किनारे पर पानी लगाकर मोल्ड अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। ज्यादा आटा निकाल दीजिए, मोल्ड खोल लीजिए। इसी तरह सारी गुजिया बना लीजिए। कढ़ाई में घी गरम कर लीजिए, गरम घी में गुजिया तल लीजिए, टिश्यू पेपर पर निकाल कर रखिए, सर्विंग बाउल में निकाल कर सर्व कीजिए।